देश में ओमिक्रॉन की बड़ी रफ्तार। गुरुवार को 96 नए मामले सामने आए। कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 357 लोग संक्रमित। गुरुवार को ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु में मिले हैं। नए वेरिएंट से 33 लोग संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले सामने आए। राज्य में इस तरह से इस वेरिएंट्स की तमाम मरीजों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। नागपुर में ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज सामने आया है। नागपुर एम्स में चल रहा है इलाज। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 14 नए केस और अब तक इस वेरिएंट के चपेट में आए हैं 38 लोग। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है और राज्य में अब तक कुल संख्या हो गई है इनकी 31। केरल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 5 लोग पाए गए हैं। सभी अस्पताल में भर्ती। राज्य में टोटल केस हो गए 29। गुजरात में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं और प्रदेश में ओमिक्रॉन के 30 केस हो गए हैं। ओडिशा में ओमिक्रॉन के 2 और नए केस सामने आए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल अब 4 केसेस। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। नए वेरिएंट के प्रति सतर्क और सावधान रहने को कहा है। प्रधानमंत्री ने दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर भी जोर दिया जाने के लिए कहा है। पीएम ने देश भर में वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने को कहा है। कम टीकाकरण और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में केंद्रीय टीमें भेजकर राज्य को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने रिमोट एरिया में वैक्सीन और दवा की सप्लाई के लिए आईटी टूल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए कहा है। कोरोना के हालात पर केंद्र ने राज्यों के साथ बैठक की है। कहा है कि जरूरत पड़े तो त्योहारों के दौरान लगाए पाबंदियां। जिन राज्यों में होने हैं चुनाव, उन राज्यों को केंद्र की विशेष सलाह वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की केंद्र से अपील। चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए चुनाव प्रचार करने का सुझाव दिया है। केंद्र से चुनाव टालने पर भी विचार करने के लिए कहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू। सीएम शिवराज बोले, जरूरत हुई तो और भी उपाय किए जाएंगे। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बैठक। कैबिनेट और ऑफिसर्स के साथ हालात की समीक्षा की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, ओमिक्रॉन से लड़ने को पूरी तरह तैयार, 3 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा। कहा है कि 2 महीने तक दवा का स्टॉक तैयार रखेंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की हाई लेवल मीटिंग। मौजूदा हालात की समीक्षा की। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं लोग, पहने मास्क। डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है ओमिक्रॉन, ब्रिटेन की एक रिसर्च से खुलासा हुआ है। अमेरिका में कोरोना की दूसरी दवा को भी मंजूरी है। हाई रिस्क वाले मरीजों के लिए गोली है। देश में कोरोना के 7495 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 434 लोगों ने दम तोड़ा है। केरल में 2514 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 54 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 615 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 17 लोगों की जान गई है। मुंबई में 24 घंटे में 602 नए मामले आए हैं, 1 की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 516 नए केस हैं, 6 मरीजों की जान गई है। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल पर शाम को खुले रहेंगे धार्मिक स्थल, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। तेलंगाना सरकार को हैदराबाद हाईकोर्ट का निर्देश, क्रिसमस और नए साल में सार्वजनिक समारोह को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाएं। देश में अब तक 140 करोड़ 25 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। गुरुवार को 51 लाख डोज लगाई गई है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना है। 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को लगी है कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज। दिल्ली में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा को मिली है पहली खुराक। 1 करोड़ 5 लाख लोगों को लगी है दोनों डोज। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 62% लोग फुली वैक्सीनेटेड है और दूसरी डोज नहीं लेने वालों की सूची तैयार किया जा रहा है प्रशासन। कोवोवैक्स के लिए DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट से मांगा है और डेटा। सीरम इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मांग रही है मंजूरी। तेलंगाना के एक गांव में लोगों ने लगाया 10 दिन का लॉकडाउन। खाड़ी देश से लौटा एक शख्स पाया गया था ओमिक्रॉन से संक्रमित। गांव के मुखिया ने बताया, संक्रमित शख्स और उसके परिवार को आइसोलेशन में रखा गया है, ओमिक्रॉन के डर की वजह से गांव वालों का फैसला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों की मुठभेड़, कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर। लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट में जांच जारी, बॉम्ब ब्लास्ट करते समय ब्लास्ट होने का शक जताया जा रहा है। पंजाब पुलिस का अनुमान, बॉम्ब को प्लांट करने के दौरान धमाका हुआ था जिसमें इसको प्लांट करने वाले की मौत हुई है और मृतक का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। लुधियाना में NSG, NIA और फॉरेंसिक की टीम ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची और सैंपल्स जमा किए हैं। आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। गुरुवार को लुधियाना के कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। धार्मिक स्थलों समेत सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब के आला ऑफिसर से बम धमाके को लेकर रिपोर्ट ली है। गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है जानकारी। CGI NV रमन्ना ने लुधियाना ब्लास्ट पर दुख जताया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की।
सीएम चन्नी ने ब्लास्ट को बताया एक और साजिश का कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही हैं। पंजाब के डिप्टी सीएम ने भी हमले के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ होने का शक जताया है, कहा कि पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ब्लास्ट पर कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, कहा कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, कुछ लोग पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं लेकिन मंसूबे कायम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने भी लुधियाना ब्लास्ट की कड़ी निंदा की, कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अकाली दल ने बॉम्ब ब्लास्ट के लिए कांग्रेस और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा कि सियासी माहौल अकाली दल के पक्ष में है इसलिए ऐसी घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। उत्तराखंड में भड़काऊ भाषण को लेकर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी के खिलाफ FIR, 8 वक्ताओं के खिलाफ हरिद्वार में केस दर्ज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, 50 बेड के आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई, संबलपुर और मिर्जापुर में खुलेगा आयुष अस्पताल। सीएम योगी के साथ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या के बाद बहराइच जाएंगे सीएम योगी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। अखिलेश यादव के चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग पर बोले जयंत चौधरी, पीएम मोदी और सीएम योगी को नींद नहीं आएगी। अलीगढ़ में RLD चीफ जयंत चौधरी का ऐलान, किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, युवाओं को दिलाएंगे न्याय। अलीगढ़ में जयंत चौधरी के समर्थक हुए बेकाबू, भीड़ बढ़ने से मंच टूटा। 2 जनवरी को मेरठ जाएंगे पीएम मोदी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी की वाराणसी को सौगात, 870 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अमूल डेयरी प्लांट का भी किया शिलान्यास, तैयार होने के बाद रोज 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी। शिलान्यास के बाद पीएम का विरोधियों पर हमला, कहा कि ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि गाय की बात करना गुनाह हुआ है। पीएम मोदी का हमला, कहा कि विपक्ष की डिक्शनरी में सिर्फ माफियावाद और परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी से जुड़े इत्र और पान मसाला कारोबारी पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज में 90 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किए। कारोबारी ने पिछले महीने अखिलेश की मौजूदगी में लॉन्च किया था समाजवादी इत्र। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, संगठन पर निशाना साधने के बाद पहली मुलाकात। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका, गुरदासपुर से आप नेता बघेल सिंह पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज पंजाब के गुरदासपुर जाएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मणिपुर जाएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिराद हकीम होंगे कोलकाता के मेयर, सांसद माला राय बनी कोलकाता नगर निगम की अध्यक्ष। कांग्रेस और जेडीएस के विरोध के बावजूद कर्नाटक में पास हुआ धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, बीजेपी नेताओं ने लगाया जय श्री राम के नारे। एमपी में अब पत्थरबाजों की खैर नहीं, विधानसभा में पारित हुआ संपत्ति नुकसान वसूली विधेयक। महाराष्ट्र असेंबली में पास हुआ महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा विधेयक, शक्ति बिल को राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पनजी स्कीम के नाम पर घोटाला करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया, अच्छे रिटर्न का लालच देकर महिलाओं को ठगी का जाता था। शिकायत के बाद अपना घर बदलकर फरार हो गया था आरोपी, 39 पीड़ितों के करीब 2 करोड़ रुपए ठगी किए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए किटी पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था आरोपी और मटे स्पीकर बनकर करोड़ों की धोखाधड़ी करता था। मुंबई के वखोला इलाके में होटल में पान खाना और खाना पार्सल नहीं मिला तो इंस्पेक्टर ने होटल मालिक को पीटा, सीसीटीवी में तस्वीर सामने आई। अपने कुछ स्टाफ के साथ होटल में खाना पार्सल करने पहुंचा था इंस्पेक्टर, होटल बंद होने का हवाला देकर मालिक ने पार्सल देने से मना किया था। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने होटल मालिक को छुड़ाया, पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मुरादाबाद में अवैध सब्जी मंडी पर अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे का अभियान, हंगामे के बाद सामान हटाने का समय दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई बर्फबारी, मुगल रोड पर बंद करनी पड़ी है गाड़ियों की आवाजाही। नोएडा में कल 525 रिकॉर्ड किया गया AQI, गंभीर कैटेगरी में है इसकी गुणवत्ता। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में बेघर लोगों ने रैन बसेरे में सहारा लिया, कंबल, चाय, पानी और खाने का इंतजाम। दिल्ली के RML हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल के पास अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। किसानों की तरफ से पंजाब के कई हिस्सों में रेलवे ट्रैक बंद करने के बाद काफी ट्रेनें रद्द हुई हैं। लुधियाना में यात्रियों को घावे भारी परेशानी। क्रिसमस से पहले कोलकाता का पार्क स्ट्रीट सजाया गया, लोगों को काफी देखने में मजा आ रहा है। राजस्थान के रवि सोनी ने ड्राइंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। अमेरिका के टेक्सस में केमिकल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, निकल पड़ा है बड़े पैमाने पर धुआं, 4 लोग आग में झुलसे। आग सबसे रिफाइनरी के पहले हिस्से में लगी, उसके बाद पूरे हिस्से में फैली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। घाना की संसद में सांसदों के बीच जमकर मारपीट, टैक्स बिल को लेकर चले लात और घूसे, सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों को संभाला। बिल पर बहस के दौरान विपक्षी दलों ने विरोध किया, स्पीकर के बिल के लिए मतदान कराया, नतीजा टाई रहने के बाद शुरू हुआ हंगामा। अमेरिका के केंटकी में आए चक्रवात में शरीफ के 2 बच्चियों को बचाया, बॉडी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वीडियो, बच्चे बाथटब के नीचे मिले।
अंडर 19 एशिया कप में भारत का जीत से आगाज। पहले मैच में यूएई को 154 रनों से मात दी। भारत ने यूएई को 283 रनों का दिया था लक्ष्य। लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम 35वें ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से राजवर्धन ने 3 विकेट झटके और गर्व सांगवान, विक्की अठवाल और कौशल तांबे को 2-2 विकेट मिले। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 282 रन बनाए हैं और भारत की तरफ से हरनूर सिंह ने 120 रनों की पारी खेली। कप्तान यश ढल ने 73 और साथ में राजवर्धन हांगेकर ने 48 रनों की पारी खेली। शेख रशीद ने 35 रन बनाए। हरनूर सिंह को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मिला है मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार और हरनूर ने 130 गेंदों में 120 रन बनाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।